Come on, come on, come on, come on. Yeah, yeah. Come on. Please, sir. I need a break. Come on, Sahil. Okay, guys, come on. At ease. 5 minutes break for everybody. At ease. Come on. All the best, babes. Three. That's the button. And then you record. Okay? Long. Maria Priya. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस रेबल एक्ट से कुछ चेंज हुआ है, यू बेटर थिंक अगेन। मैंने अपनी थिंकिंग कर ली, इट्स ओवर। इट्स नोवेयर नेक्स्ट टू ओवर। इनफैक्ट ये तो शुरुआत है। और कुछ? एक और बात। आई विल नॉट स्टॉप अंटिल यू आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। वेल दैट्स जस्ट टू बैड फॉर यू। क्या हुआ साहिल? I don't know sir. Actually, I think I have fever. Fever तो नहीं लगता साहिल. Why are you feeling so weak? Come on. पता नहीं sir. I'm just not feeling too well. Can I please take a break? Fine, come on. 5 minutes break. फिर वहाँ से हम लेते हैं, okay? Thank you. Chill, come on. Break. Come on, guys. क्या उस दिन ग्रास हॉपर लगा रखा था? कुछ भी तो नहीं था। था साहिल, था। बिग फैट अगली ग्रास हॉपर, ट्रस्ट मी। यू नो मेहर, यू जस्ट नट्स। एनीवेज, यू वांट द स्टफ, अभी है मेरे बैग में। लेकिन साहिल, मैं उन लड़कों के जिम क्लास में अकेले जाऊंगी तो बहुत अजीब लगेगा ना। तुम ले आओ ना प्लीज। ओके, यू वेट राइट हियर, आई विल बी बैक। प्री, हाथ हिलना नीचे। यहां लाओ, मुझे दिखाओ। टिया, तुम मुझे डरा रही हो। उफ़, I have the stuff, but हाँ, थोड़ा ध्यान रखना। ये pills really strong है, could be dangerous. क्यों? क्या होता है इससे? Bimbo, अगर drugs का overdose हो गया ना, तो ज़िंदगी का overdose हो जाता है, right? Okay. अरे pocket में रखो इसको, drugs हैं, कोई sweets नहीं। Okay, chill. Anyways, मैं भी class में वापस जा रही हूँ. I'll see you later, okay? Okay. Yeah. Come on guys, break is over. Guys, come on, break is over. 5 minutes stretching and then we play football. Come on, do your dips. Come on, come. Break over, Pree और साहिल शाह भी। इसके अगेंस्ट हमें सारा एविडेंस मिल गया। Now he's out. Wow, well done, babes. ये देखो। अब साहिल बच नहीं पाएगा। कौन साहिल? डू योर डिप्स। यस सर। कम ऑन एवरीबॉडी। वेरी गुड। साहिल, क्या हुआ? साहिल, he's on the cloud. Come, let's go. साहिल. What happened? Babes, you don't see. मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है. सब पीछे रहो. Let him breathe. Come on, हवा दो. साहिल, थोड़ा सा पीछे हो। साहिल,
साहिल? सर ये तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। पल्स तो चल रही है मगर बहुत वीक है, हमें एम्बुलेंस को बुलवाना चाहिए। राइट। बड़ा क्या हुआ इसे? कुछ नहीं साहिल, मैं एक्सरसाइज करवा रहा था और ये अचानक जमीन पर गिर पड़ा। एक्सरसाइज या ओवर एक्सर्शन? ऐसी कोई बात नहीं है अर्जुन, इसकी तबीयत पहले से ही खराब थी। नो, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। He's just stoned. What? तुम्हें कैसे पता? Because Tia knows. ये बात की बात है, हमें बहस नहीं करनी चाहिए, हमें पहले एम्बुलेंस बुलवानी चाहिए। नहीं, एम्बुलेंस नहीं आएगी। टिया जाके ग्लोरा को बताओ स्कूल डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के लिए। गो। ओके साहिल, सब प्लीज थोड़ा साइड पे हवा। ग्लोरिया, ग्लोरिया। टिया What happened? वो साहिल का वो फेंट हो गया है। Quickly call the doctor, please. My God, but Tia डॉक्टर बता रहा तो अभी बाहर गए हैं। Gloria, उसकी कंडीशन बहुत वीक है। Do something quickly. Yeah, मैं उनका सेल फोन ट्राई करती हूँ। क्या हुआ Tia? Sir, वो साहिल का वो जिम क्लास में फेंट हो गया है। Sir, उसने ड्रग्स लिए हुए थे। Oh my God. और ऊपर से अर्जुन एम्बुलेंस भी नहीं बुलाना चाहता था। अगर उसे कुछ हो जाता तो Thank God, Tia told Mr. Dutt, और उन्होंने एम्बुलेंस बुलवा ली। हम साहिल को फॉलो कर रहे थे, एविडेंस ढूंढ रहे थे ये प्रूव करने के लिए कि वो ड्रग्स बेचता है। या टिया एंड हर एंजल्स, इनफैक्ट हमने एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं। They are all in this handicam. You are my sweetie, my angel. Proud of you, dear. Hi, Ranveer. I need to talk to you. Okay. Honey Bunch, you are brilliant. Pata hai, ye investigation kar rahi thi. You know, like criminal investigation, special squad style. After all. टिया उजावना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। हनी बंच, राइट? सारे स्कूल को पता था कि वो ड्रग्स लेता है, तुम्हें कैसे नहीं पता चला? I don't know anything, mama. साहिल अच्छा लड़का नहीं है लतिका, वो एक ड्रग एडिक्ट है। तुम्हारे लिए उसको भूल जाना ही बेहतर होगा। मामा, दूसरे उसके बारे में जो भी सोचते हो, I don't care. मैं ऐसा नहीं सोच सकती। अच्छा ठीक है, ये रोना बंद करो, मेरी तरफ देखो। लतिका, लुक एट मी। वो ठीक हो जाएगा, मिस्टर दत्त ने कहा है कि अब वो क्रिटिकल नहीं है। लेकिन क्या? शायद वो इस स्कूल में वापस ना आ सके। मामा, पापा उसे एक्सपेल नहीं कर सकते। प्लीज मामा, प्लीज डू समथिंग। पापा उसे एक्सपेल नहीं कर सकते। मामा प्लीज। मामा हम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो लतिका, वो एक ड्रग एडिक्ट है। उसने स्कूल में ड्रग्स बेचने की कोशिश की है, कितनी जिंदगियों के साथ खेला है। वो स्कूल में वापस नहीं आ सकता, उसका आना नामुमकिन है। मामा, मामा, आई डाय। मामा, प्लीज, प्लीज उसे वापस बुला लो। I'm sorry, लतिका, ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें उसे भूलना ही होगा। मामा, साहिल और मैं, हम दोनों बहुत सीरियस है मामा। अब नहीं समझोगे, कभी नहीं समझोगे। Forget it. लतिका, क्या तुम मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो? हाँ, मेरी तरफ देखो। Are you trying to say something? हाँ? That's all I was saying. रणवीर, आर यू लिसनिंग? क्या सोच रहे थे? हम टिया के बिहेवियर के बारे में सोच रहे थे, हमने उनसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। यू नो, जस्ट फॉरगेट इट, इट्स जस्ट अ गेम फॉर हर।
जैसे उसने अपनी फ्रेंड मेहर के लिए प्रोटेस्ट की थी, जस्ट अ शो। नहीं राम, इस बार जो टिया ने किया, इट्स रियली समथिंग। रणवीर, आई डोंट अंडरस्टैंड, जब भी हम बात करते हैं टिया हमारे कॉन्वर्सेशन में आ जाती है। आई एम रियली सिक ऑफ हर। नहीं ईरा, प्लीज काम डाउन, आई एम सॉरी। ओके, आई लेट दिस पास। एक्चुअली ना, मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। क्या बात? आई हर्ड निखिल, शायद वो वरुण के बारे में बात कर रहे थे। आई एम नॉट श्योर। वरुण क्या बात कर रहे थे? कुछ तो एक्शन लेने के बारे में बात कर रहे थे। रणवीर, आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। गाइस, अगर साहिल शाह एक्सपेल हो रहा है तो आई एम कमिंग बैक इन द रूम। रूमी, वेलकम बैक। और तुम लोगों को किसने कहा कि साहिल शाह एक्सपेल हो रहा है? किसी ने नहीं, but it deserves it. Yo man, it deserves it. Shut up, okay? Chillax, babes. Good morning, students. आज जो बात मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ वो हमारे मौर्य हाई की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। हमारे स्कूल के लिए ये एक एक धब्बा है। एक स्टूडेंट ड्रग्स ले रहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, और ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे मौर्य हाई के लिए एक बहुत बड़ी हार है, और इसका जिम्मेदार मैं आप सब स्टूडेंट्स को मानता हूं। जितना रिस्पॉन्सिबल साहिल शाह है ड्रग्स लेने के लिए, उतने ही रिस्पॉन्सिबल आप सब हैं, क्योंकि वो आप सबके बीच में उठता बैठता था। और जब तक आप एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे, ऐसी बातें बार बार होती रहेंगी। साहिल शाह एक नादान लड़का है, और अपनी नासमझी की वजह से उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। उसे रिहैब में भेजा जाएगा, और वहां से वापस आने के बाद हम उसे एक मौका और देंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस मिस आहूजा। सर, आई डोंट थिंक साहिल शाह डिजर्व्स अ सेकंड चांस। सर, ही इज अ क्रिमिनल। वेल, ड्रग्स कोई क्राइम नहीं है, इट्स अ डिजीज। सर, अगर ड्रग्स एक डिजीज है तो क्या ड्रग्स बेचना भी एक डिजीज है? आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं आप? आई नो सर, एंड टिया फील्स बैड अबाउट दैट, बट इट्स ट्रू। सर, ये एक 100% सच है, और टिया के पास इसका प्रूफ है। टिया ने सब कुछ इस हैंडीकैम में रिकॉर्ड किया है, देखिए। साइलेंस साइलेंस, चुप रहिए प्लीज, चुप रहिए आप लोग। मुझे आपसे कुछ बात करनी है इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। श्योर। चले मिस आहूजा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये बात आप सभी अपने तक ही रखेंगे। आउटसाइडर्स को बताकर अपने स्कूल की रेपुटेशन को खराब नहीं करेंगे। Thank you.
एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, साहिल शाह को इस स्कूल से एक्सपेल किया गया है। क्वाइट, उसके पेरेंट्स ने उसको रिहैब में भेजा है जहां पर उसका पूरा सिस्टम क्लीन अप किया जाएगा। लेट दिस बी अ लेसन फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, दिस इज व्हाट हैपेंस फॉर बीइंग सच अ लूजर जस्ट लाइक हिम। Dude, you're the king, man. तू से actually school में ले आया। Hush, sit quiet. You nuts? What's wrong with you, brother? Okay, but I just wish मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता। Come on, brother. Of course होगा। Wait for your chance. Okay. अगली बार मेरा number किसी को देने से पहले मुझसे पूछ लेना, okay? और मैं तुम्हारा number कैसे दूँगी? अगर मुझे खुद नहीं पता। I don't know. लेकिन ये message तुम्हारे लिए। मरिया प्रिया, अगर अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहती हो तो पार्क में जाओ। ये मेरे लिए नहीं है। रियली? तुम्हारे लिए नहीं है? नहीं है। वैसे इस पूरे मौर्य हाई में डबल नेम तो सिर्फ तुम्हारा ही है ना, मरिया प्रिया। आशी, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं अब बिल्कुल टायर्ड हो गई हूँ। आई नीड योर हेल्प, कम बैक आशी। रणवीर, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं समझते और ऐसे चाइल्डिश गेम्स में फंस जाते हो। आई एम सॉरी, वो रणवीर, आज मेरी मनमीत से बात हुई और उसने मुझे बताया कि इस फ्राइडे को डांस फ्लोर की ओपनिंग नाइट है। सो वी कांट मिस द रिहर्सल्स, नो एस्केप। हाँ, रिहर्सल करेंगे। ओके, मैं जाके यूवी को बता देता हूँ और तुम टिया को बता देना, ओके? हम कह देंगे बड़ा, पर हमें नहीं लगता वो हमारी बात मानेंगी। आई जस्ट होप आशी जल्दी आ जाए, उनका यहाँ होना बैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो, लेकिन हमें रिहर्सल्स शुरू कर देनी चाहिए, देन शी कैन जॉइन इन, राइट? डोंट वरी, हम जरूर करेंगे। थैंक्स, बाय बाय, सी यू। मतलब आज भी आउट? आज भी नहीं मिल पाएंगे? इरा, हमारी बात। मिस्टेक था, स्पैम एसएमएस या कुछ, या फिर रॉन्ग पर्सन को चला गया होगा किसी कंफ्यूजन की वजह से। नो, मुझे लगता है ब्लैक गैंग ने भेजा होगा। तुमने कोई मैसेज मिला मेरे लिए? नहीं, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं। सी, बेटर नाउ? बिल्कुल नहीं, अब तो वर्स फील कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक, मुझे लगता है वो एसएमएस एक ही जगह से आ सकता है। क्या? कौन? अर्जुन। और कोई नहीं है जो मेरी फैमिली के बारे में बार बार रिमार्क्स पास करता रहता है। तो फिर अब प्लान क्या है, करोगे क्या तुम? ले जाऊंगी। नो, क्यों? क्योंकि एमपी, दिस इज नॉट हैपनिंग, प्लीज, मुझे डर लग रहा है, तुम सेफ नहीं हो। वृंदे, आशी होती तो क्या करती, वो जरूर जाती पता लगाने। एमपी, आशी के पीछे कोई ब्लैक गैंग या अर्जुन नहीं पड़ा हुआ है, ओके? इट्स रियली डेंजरस। वेल, मैं किसी से नहीं डरती। एमपी, फॉर माय सेक मत जाओ, वी फ्रेंड्स राइट? सो प्लीज मेरी बात मानो। हाँ, ओके, आई एम सीरियस, ओके? या वृंदा, हिस्ट्री नोट्स हैं क्या? हिस्ट्री? थैंक यू। ध्रुव, एमपी, you're okay na? Yeah, I'm fine. Pri, main class bunk kar rahi hu, agar kisi ne pucha to tell them I'm sick. And you finish it. मैन तो प्रॉब्लम होगा, पर शक्ल दिखा सकती हूँ। Yo, I'm back.
Thank you.